अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस। बड़ी फास्ट बोली है, थोड़ा धीरे तो बोले एकदम तरह तरह मैं शादी ऐसे नहीं हुआ ढंग से बोले इतनी फास्ट बोली मैं देखूं कि वीडियो ये। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड या फिर पता नहीं टॉपिक देख के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, मैं कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। वीडियो का टाइटल है Name of Prophet Muhammad found in Hindu's book. मतलब हिंदू की जो किताबें हैं, होली बुक्स हैं, उनमें प्रोफेट मोहम्मद जी का नाम पाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या नाम था और क्या नाम तो एक ही था, पर किस तरीके से लिया गया है। पूरा डायरेक्ट कहा है कि मोहम्मद ही आएंगे। सुना है ऐसे कि नाम आया, लेकिन हमें पता नहीं कैसे आया है, क्या चीज हुई है, ये नहीं पता किस तरीके से लिखा है। या पूरा लिखा है कि मोहम्मद साहब आएंगे, वो नाम तो चलो बाद में ही रखा होगा, वो नहीं हो सकता नाम, पर किस तरीके से बयान किया गया था लफ्जों में वो देखते हैं हम। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जरूर चेकआउट करना। इंतहा पसंद हिंदू खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन मानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के हालात इस दुश्मनी के गवाह हैं, मगर हिंदुइज्म की मुकद्दस मजहबी किताबें तो मुसलमानों के नबी आखिरुज़्ज़मां की आमद की पेशेनगोई करती हैं। हिंदू नहीं मानते तो ना माने, मगर इनकी मुकद्दस किताब उन्हें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इशारा देती हैं, ताकि वो इससे सबक सीखकर सीधे रास्ते पर चल सके। क्या हिंदुइज्म इल्हामी मजहब है? क्या हिंदुओं की मजहबी पेशवा राम, कृष्ण और शिव नबी थे? और हिंदुओं की किस मुकद्दस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से वाज़े पेशेनगोई मौजूद है? इन सब के मुतल्लिक हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, हिंदुइज्म को दौरे हाजिर में मौजूद सब मजाहिब में सबसे कदीम मजहब तसव्वुर किया जाता है। इसमें मुबालगा आराई भी हो सकती है कि कहने वाले बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश भी तो करते हैं, मगर दौरे जदीद में स्कॉलर्स की तहकीक से ये बात सामने आई है कि हिंदुइज्म कम अज कम 4000 साल कदीम तहजीब है। यानी इससे ये बात तो साबित हुई कि हिंदुइज्म वाकयतन पुराना मजहब है, मगर सबसे पुराना है या नहीं इस बारे कोई वाज़े बात मौजूद नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त दुनिया भर में 1.2 बिलियन हिंदू पाए जाते हैं, यानी 1200 मिलियन हिंदू। हिंदुओं की अक्सरियत तो इंडिया में ही मौजूद है, मगर कुछ दीगर ऐसे ममालिक भी हैं जहां पर हिंदू कसीर तादाद में मौजूद हैं। इन ममालिक में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, वक्त के साथ साथ रिवायात और रसूमात में हिंदुइज्म में बहुत सी तब्दीलियाँ और तगैरात वाक़ हुए हैं, जबकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुहक्किकीन के नज़दीक हो ना हो हिंदुइज्म भी ईसाई और यहूदी मजहब की तरह इल्हामी मजहब है, और जो नाम हिंदू अपने मजहब के बड़ों के हवाले से लेते हैं वो शायद अल्लाह के भेजे गए पैगंबर भी हो सकते हैं। मगर इस हवाले से कुछ सबूत ना होने के बाय 100% यकीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है। जबकि अल्लाह पाक ने रूए जमीन पर हर एक कोने में बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए अनबिया भेजे हैं, तो हो सकता है कि राम, कृष्ण और शिव जो भी नाम हिंदू अपने मजहब के भगवानों के लेते हैं ये अपने दौर के नबी हों और इन पर उतरने वाली किताबें इल्हामी किताबें। मेरे दोस्तों, जैसे वक्त के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों की मजहबी किताबें मुकम्मल बदल गईं, इसी तरह मुमकिन है कि हिंदुओं की मजहबी कुतब में बेतहाशा तब्दीलियां रूनमा हुई हों, और बदलते बदलते उन्होंने अपने नबियों को खुदा तक का दर्जा देने के बाद उनके बुत तराश कर उन्हें पूजना शुरू कर दिया हो, क्योंकि लगभग इसी तरह की तब्दीलियाँ ईसाईज़म और यहूदीज़म में भी हुई हैं। नाज़रीन, आप लोग भी बड़े अच्छे से ये बात जानते हैं कि ईसाई हजरत ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा तसव्वुर करते हैं, और इनके हाँ तसलीस का तसव्वुर भी पाया जाता है, मगर हजरत ईसा अलैहि सलाम ने तो उसकी हरगिज़ तालीमात नहीं दी थी। ये सब ईसाइयों की मुकद्दस इल्हामी कुतब में तब्दीली ही का नतीजा है, जिसके बायस वो लोग अब मुशरिकाना तौर तरीक अपनाए हुए हैं, वगरना खुदा का इल्हामी मजहब तो शिर्क की हरगिज इजाजत नहीं देता। वो अल्लाह ताला अपनी जात में अपने सिफात में वाहिद व यक्ता है, उसका ना तो कोई शरीक है और ना ही कोई इसकी आल औलाद। और फिर कुरान मजीद में सूरह इखलास में भी अल्लाह पाक ने अपने यक्ता होने का ऐलान किया है। कुरान मजीद में आता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है,
अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है और ना ही उसकी कोई औलाद है और ना कोई उसका हमसर है। कुरान मजीद की ये सूरा अल्लाह पाक की वहदानियत का ऐलान है। और फिर ईसाई नजरियात, जिसका प्रचार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुकद्दस इल्हामी किताब यकसर बदल गई और वो मजहब जो तौहीद का प्रचार करता था, अब शिरक का सरेआम इकरार करने लगा है। दोस्तों, अगर ईसाईज़्म ही की बात करें तो इसके पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुतालिक अपनी कौम को भी आगाह किया था। इसका जिक्र हमें कुरान मजीद की सूरा में भी मिलता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और याद करो ईसा इबन मरियम की वो बात जो उसने कही थी, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ इस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। दोस्तों, ये बात शायद आप पहले से ही जानते होंगे कि हिंदुओं की मुकद्दस तरीन मजहबी कुतब वेद, पुराण और उपनिषद वगैरह हैं, और इनके कुतब में हिंदुओं के मजहबी अकायद और रसूमात के हवाले से वाज़े हिदायत हैं। दोस्तों, इन कुतब में से प्राण का तज़करा करें तो प्राण का मानी हमारी जुबान में पुराने के किए जा सकते हैं। लिहाजा इस किताब में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गुइयां मौजूद हैं, ठीक इसी तरह जैसे तौरात, जबूर, इंजील और दीगर आसमानी सहीफों में मौजूद हैं। हिंदुओं के पास प्राण के भी 10 नुस्खे हैं, और इनसे एक के अंदर हैरतअंगेज तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गुई कुछ इन अल्फाज में मौजूद है। आखिरी ज़माने में एक शख्स रेगिस्तानी इलाके में पैदा होगा, उसकी माँ का नाम काबिल एतमाद और बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। वो अपने वतन से शुमाल की जानिब जाकर बसने पर मजबूर होगा, और फिर वो अपने वतन को मुतअद्दिद बार 10,000 आदमियों की मदद से फतह करेगा। जंग में उसकी रथ को ऊंट खींचेंगे और वो ऊंट इस कदर तेज रफ्तार होंगे कि आसमान तक जा पहुंचेंगे। ये अल्फाज हिंदुओं की मुकद्दस तरीन मजहबी किताब प्राण में दर्ज है, यानी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का ऐलान हिंदू मजहब में भी आज से हजारों साल कबल किया जा चुका है। मगर नाजरीन, आज के हिंदू इस बात को नज़रअंदाज करने के साथ साथ बड़ी डिटाई से अपने मजहब में की जाने वाली तब्दीलियों पर खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, और इनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद उम्मत मुसलमा 1400 साल से तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ अमल है, मगर वो लोग हिदायत की जानिब तवज्जो ही नहीं देते। अलबत्ता वो लोग जो दीन हक को समझने की जस्तजू करते हैं, उन्हें अल्लाह पाक अपने खास करम से इस्लाम की तरफ ले आता है। और अब तक हिंदुइज्म को छोड़कर लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद के बारे में दुनिया में मौजूद हर इल्हामी मजहब के मुकद्दस कुतब में तज़करा मिलता है, मगर हक को सिर्फ वही लोग पहचानते हैं जो हक की जस्तजू में निकलते हैं, बाकी सब तो गुमराही की जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के दीगर मजाहिब में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद की बशारत मिलती है। अहदे मौसवी के 300 साल बाद, यानी आज से कोई 3000 साल पहले, हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब वेद में इस्लाम के आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का इजहार मिलता है। लिखा है, अहमद ने अपने रब से पुर हिकमत शरीयत को हासिल किया, जिसे मैं यानी ग्रीषि वस्त कन्व इस बशारत को देखते वक्त आफ्ताब रसालत के नूर से मुनव्वर हो रहा हूँ। इसी तरह 618 साल कबल मसीह जरतशों की मुकद्दस किताब में मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आमद रसूल की बशारत यूं बयान की गई है, ज़माना जाहलियत में अरब में ऐसा मर्द पैदा होगा जिसके पैरोकार दीगर मजाहब और खराफात को ख़त्म कर देंगे, तब इबादत गाह आतिश कदे नहीं बल्कि मकान इब्राहिम यानी खाना काबा होगा, वो रसूल कायद खुश गुफ्तार होगा। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का जिक्र बुद्ध मत में भी मिलता है। हमारे अहद से 2575 साल कबल यानी 563 कबल मसीह में बुद्ध मत के पेशवा ने अपने पैरोकारों को बीमारी की हालत में अपनी वसीयत में आखिरी पैगम्बर की नवीद सुनाई थी। बुद्ध मत की मारूफ किताब में दर्ज है कि बुद्ध ने आनंद को तसल्ली देते हुए कहा कि वक्त मुकर्रा पर आखिरी बुद्ध आएगा, वो साहब हिकमत, इसरार कायनात का आलम, इंसानों का बेनजीर हादी और मौलम अखलाक पाकीज़ा जिंदगी वाला होगा। तो बेशक दोस्तों, हमारे नबी बड़े शान वाले, आज हिंदू इस बात को नहीं मानते हैं कि उनकी जो किताब है उनके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा मौजूद है, वो इसलिए
कि सिर्फ एक किताब कुरान मजीद है जिसमें कोई जेर जबर का फर्क कयामत तक नहीं आएगा। दीगर मजाहिब की तमाम किताबों में तरमीम कर दी गई है, उनमें से कोई भी किताब अब तक सही हालत में मौजूद नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये थी वीडियो एंड लाइट भी जा चुकी है, सो लाइट का कोई भरोसा नहीं, आजकल कभी आ रही है कभी जा रही है। यार आगे तो फिर बहुत दिक्कत रहा करेगी जब मॉनसून आएगी ना, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी वीडियो ये थी एंड उनका जो है जिक्र इस तरह से किया है कि उनके जो मदर है उनका ये नाम होगा, जो उनके फादर उनका ये नाम होगा, उनका बेटा आएगा ना। सो इस तरह से पैगंबर मोहम्मद जी का नाम जो है हिंदुओं की बुक्स में है, इवन की बुद्धा जो थे उनके बुक्स में भी उनका नाम है ना। कैसे और पूरा डिस्क्राइब किया था कि कितनी तादाद की इनकी आर्मी होगी, जब ये जंग में जाएंगे तो ये जंग जीतेंगे और जो ऊंट होंगे वो उनके मतलब रथ की सवारी लेके जा रहे होंगे उनको, है ना। तो ये था, तो हिंदू मजहब की बुक्स में भी इनका नाम है, बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या ही मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या वर्ड यूज करूँ, दिमाग में आ तो ये थ्योरी ना पर बड़ी वो कन्फ्यूजन वाली है कि क्या बोलो ना, कि मतलब अब तो ये तो सभी मानते हैं कि चलो खुदा तो एक ही है ना, उसने मतलब सभी रिलीजन्स में ये बात बना के भेजी है कि मेरा जो पैगंबर है प्रोफेट मोहम्मद वो आ रहे हैं, है ना। वो चाहे फिर हमें हिंदू की बुक्स में मिली और जो बुद्धिज़्म की बुक्स है वहाँ पे भी मिली है ना। सो बाकी आपसे बताना आपकी क्या राय है इस बारे में, और ऐसी अगर वीडियो चाहते हैं बाकी तो थैंक यू सो मच जिसने ये वीडियो सजेस्ट करी थी। सो ऐसी वीडियोज़ और ज़्यादा सजेस्ट करते रहें, सो दैट हम देखते रहें, हमें भी नॉलेज मिले और आप सभी को भी पता लगता रहे हमारे साथ, और एक परफेक्ट नॉलेज मिले तो दैट हमको कहीं ना कहीं से कभी मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मैं यही समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या, तो लाइट आ गई ना एकदम से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया। सो यही था बाकी इस वीडियो में, होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।